हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जारी किया गया समन। जी हां, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में मानसा की अदालत ने समन जारी किया है। चन्नी को 18 जनवरी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 9 महीने विदेश में रहने के बाद पंजाब लौट आए हैं। कोरोना का बड़ा खतरा, WHO ने कहा चीन साझा करे COVID-19 डेटा। जी हां, पड़ोसी देश चीन में एक बार फिर कोरोना का कहर जारी है। पूरी दुनिया चीन में फैल रही COVID-19 महामारी को लेकर काफी चिंतित है। इस बीच WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने एक बार फिर से चीन से कोरोना महामारी की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा को साझा करने को कहा है। इसराइल में नेतन्याहू की सत्ता में वापसी, बनाई गई गठबंधन सरकार। जी हां, दिग्गज नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने इसराइल के इतिहास में बतौर गठबंधन प्रमुख सत्ता में वापसी करते हुए एक नई इजरायली सरकार का गठन किया है। 1 नवंबर को अपनी चुनावी जीत के बाद नेतन्याहू ने रूढ़िवादी यहूदी पार्टियों और एक दक्षिणपंथी ब्लॉक द्वारा समर्थित सरकार बनाने के लिए जनादेश हासिल किया है। PCB में हलचल, सकलेन मुश्ताक छोड़ सकते हैं कोच का पद। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हलचल जारी है। मुख्य कोच सकलेन मुश्ताक स्वदेश में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में टीम के लचर प्रदर्शन के बाद मुख्य कोच का पद छोड़ सकते हैं। PCB के एक करीबी सूत्र ने बताया कि सकलेन न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू हो रही घरेलू टेस्ट सीरीज के बाद पद छोड़ सकते हैं। चीन के बाद जापान में कोरोना विस्फोट, 24 घंटों में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए। जी हां, चीन के बाद जापान और अमेरिका में भी कोरोना भारी संक्रामक हो गया है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में 5,37,000 केस सामने आए हैं। अकेले जापान में कोरोना के 2,06,000 केस मिले हैं। इसके अलावा अमेरिका में लगभग 50,000 और दक्षिण कोरिया में 88,172 मामले मिले हैं। जापान में 296 तो अमेरिका में 323 लोगों ने इस महामारी के कारण दम तोड़ा है। यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों से बचाव के लिए वाहनों की घटाई गई स्पीड लिमिट। जी हां, उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों से बचाव को लेकर वाहनों की स्पीड लिमिट 2 महीने के लिए घटा दी गई है। यमुना प्राधिकरण द्वारा 15 दिसंबर से 15 फरवरी 2023 तक यह नियम लागू किया गया है। एक्सप्रेसवे पर अब भारी वाहनों की अधिकतम स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा व हल्के वाहनों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब गहलोत पायलट के बीच की दरार भरेगी कांग्रेस। जी हां, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का चरण पूरा हो चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह बैठक के बावजूद मुख्यमंत्री और उनके पूर्व डिप्टी के बीच झगड़े का पूर्ण विराम नहीं लग सका। पार्टी आलाकमान ने राजस्थान में विवाद को सुलझाने के लिए 24 दिसंबर से शुरू होने वाली अवधि को चुना है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।